और जो आपको ये दिखे दे रहा है इसका नाम है डिलार, और डिलार काम आता है बेल वाली चीजों को कूटना, जैसे मसूर की दाल हो गया, गैद की दाल हो गया, राजमा की दाल हो गया। और इस तरह से ऊन लगाते थे इस पे और इसको ऐसे घुमाते थे, तो उसे चूल्हे में डालते थे और बिल्कुल लाल बनाते थे, फिर उसके घुटने पे मारते थे ऐसे करके और पैर पे भी, फिर अगले दिन उसका दर्द ठीक हो जाता था। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजू कुशल ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट अभी शाम के 4 बजे से हो रही है, और आम मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से बहुत कड़क धूप लगी है तेज वाली, इसीलिए मैंने सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि धूप में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाला हूँ, जो हमारे उत्तराखंड के पौराणिक सामग्री है जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते थे। तो आज मैं आपको सामग्री दिखाने वाला हूँ, और हमारे घर में काफ़ी सारे पुराने सामग्री पड़ी हुई थी, तो आपको इन सामग्रियों को बताऊंगा मैं, और ये भी बताऊंगा कि इनका उपयोग किस लिए करते थे। सबसे पहले मैं आपको इसे दिखाऊंगा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका नाम है लांटेन, और ये पुराने ज़माने में बहुत यूज किया जाता था जब हमारे गाँव में लाइट नहीं थी। हमारे गाँव में क्या हर जगह इसे यूज करते थे लाइट आने से पहले, और इसमें भरते थे मिट्टी तेल, मिट्टी का तेल यहाँ से भरते थे, जो आपको ये ढक्कन दिखाई दे रहा है, खोल के दिखाता हूँ मैं। तो बहुत टाइट हो रखा है ये, और इसके अंदर एक बात ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पर आग जलाते थे, और ये होता था कांच को ऊपर करने के लिए। तो इस तरह से कांच पर करते थे, और जो आपको ये दिखे दे रहा है जो इसके अंदर बाती है, इसको ऊपर और नीचे करने के लिए, जैसे ये मैंने घुमा दिया और इसकी बाती ऊपर आ गया है, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे चला गया है, मतलब ये रोशनी को कम ज़्यादा करने के लिए था। और सेकंड चीज़ है ये, और जो आपको ये डंडा दिखे दे रहा है इसका नाम है काकड़ कहते हैं इसको हम अपनी भाषा में, और एक काम आता है जैसे हम अपने घर के आंगन में कुछ भी अनाज पानी रखते हैं सुखाने के लिए, गेहूँ की बालियाँ, मंडुए की बालियाँ, झुंगोरी की बालियाँ, तो उसको सुखाने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको मतलब ऐसे फैलाने के लिए, जैसे यहाँ पे झुंगोरी की बालियाँ रखे होंगे तो इससे ऐसे फैलाते हैं पूरे आंगन में। और जो आपको ये दिखे दे रहा है इसका नाम है तकली, ये काम आता था धागे बनाने का, जैसे हमारे पहले भेड़ होते थे तो उस ऊन का हम धागा बनाते थे, आप इस पर कोई भी धागा बना सकते थे मोटा हो या बारीक। तो अभी तो मेरे पास ऊन है नहीं, तो मैं इस धागे से बनाऊंगा। और इस तरह से ऊन लगाते थे इस पे और इसको ऐसे घुमाते थे, फिर इससे ये धागा बनता था। जो मैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये भी हमने अपने भेड़ के ऊन से बना रखा है, ये और ये बहुत पुराना है, तो पहले हमने धागा बनाया, और ये भी मेरे पापा ने अपने हाथ से बना रखा है। एक छोटा सा चीज़ ये है, इसे कहते था, और ये बहुत काम आता था पहले, जैसे पुराने ज़माने में लोगों के घुटने पे और पैरों पे दर्द होता था, तो उसे चूल्हे में डालते थे और बिल्कुल लाल बनाते थे, फिर उसके घुटने पे मारते थे ऐसे करके और पैर पे भी, फिर अगले दिन उसका दर्द ठीक हो जाता था। तो जो आपको ये दिखे दे रहा है इसे कहते हैं कूरणी, इससे जो लौकी होता था और हमारे पहाड़ी खीरे होते थे, तो इससे इसको कोरा जाता था और फिर इसके सुखसे डालते थे। सुखसे होते हैं जैसे कि ककड़ी और लौकी को कोर के उसको धूप में सुखा देते थे, और जैसे ठंडियों के टाइम पे सब्जी नहीं होती थी तो लोग इनको भिगा के फिर रात को इनकी सब्जी बनाते थे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका नाम है सौर, और ये काम आता था पूरियों को निकालने के में, जैसे तेल में पूरियाँ तलते थे तो बीच में छेद करते थे इससे, और इसी से निकालते थे पूरियों को। और जो आपको ये दिखे दे रहा है इसका नाम है डिलार, और डिलार काम आता है बेल वाली चीजों को कूटना, जैसे मसूर की दाल हो गया, गैद की दाल हो गया, राजमा की दाल हो गया, तो इससे बेल वाली चीजें कूटी जाती है, मतलब जैसे इनके दाने अलग करने हैं बेल से, इसलिए यूज होता है। तो अभी मैं ओखली के सामने आ चुका हूँ आगे, और ये ओखली में भी बारिश का पानी भरा हुआ है, और ये ओखली पत्थर पे बना हुआ है पूरा,
तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, पैसने जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम छिपीर। और पहले ये निंगाल को होता था, वो हमारा निंगाल वाला टूट गया, तो हमने इसको बाल्टी का बना दिया और ये फिर पक्का हो गया परमानेंट। और ये है कंजियाल, तो इससे ओखली में कोटा जाता है नाच पानी, जैसे झुंगोरा हो गया, मुंडवा हो गया, धान हो गए, मतलब इनके दाने से भूसा अलग करते हैं। और इसको इस तरह से लगाते हैं इस पे ताकि ओखली का अनाज पानी बाहर ना गिरे, और फिर ऐसा करके कूटते हैं। आपको जो मेरे ये हाथ पे दिखाई दे रहा है, उसे हम अपनी भाषा में मुंगर कहते हैं, मुंगर मतलब गधा। तो ये आता था काम, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जो इनके कील होते थे जिन पे इनको बांधा जाता है, उसको जमीन में गाड़ने के लिए। ये तो छोटा वाला है, वरना ये बहुत बड़े बड़े होते हैं कील गाड़ने के लिए, और ऐसे ठोकते थे इसको। इसको सभी जानते होंगे, इसको पहाड़ में क्या हर जगह यूज किया जाता है। ये इसका काम होता है, जैसे कोई भी दाने वाले चीज हो गया अनाज पानी, उसे कूड़ा करकट अलग करना। और इस पे लगा रखा है पेंट, और पहले जमाने में इसकी लिपाई होती थी, तो गौमूत्र होता है और गोबर से करते थे इसकी लिपाई पहले जमाने में। अब तो पेंट लगाते हैं लोग इसमें, और ये बना रहता है निंगाल का। और जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, इस पे तो मैंने एक स्पेशल ब्लॉग भी बनाया है, तो आप देख लेना। तो ये है एक पुराना पंखा, जिसे कि पैरों से चलाते थे, और साइकिल के पैडल की तरह है इसके पहिए, और ये पंख है, तो इसको घुमाते थे, फिर हवा आती थी, और फिर नाच पानी से भूसा अलग करते थे इससे। तो दोस्तों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है पुराने ज़माने औरतों का पर्स। तो जैसे मेरी माँ का है ये पुराना, तो मेरी माँ जैसे कहीं भी जाते थे गांव, अपने मायके जाते थे, या जैसे जो कौथिक होते हैं, कौथिक मतलब मेला होते हैं, तो इसी को लेके जाते थे और इसमें सामान लेके जाते थे। और मेरे माँ के पुराने चीज़ें भी इसमें अभी आपको दिखाते हैं। इसका नाम है कन्नी, और इसमें देखिए, इसमें पुराने चूड़ियाँ भी है, और ये टॉर्च भी है, और पिन भी रखे हैं, और एक दवाई की शीशी भी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत पुराना है, उस टाइम की कलाकारी देखिए, किस डिज़ाइन से बना रखा है ये, और ये पूरा बना रखा है प्लास्टिक का। एक चीज और लेके आ गया मैं, और आप ही सोच रहे होंगे कि इनके घर में कितनी चीजें हैं। तो हमारे घर में बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए पुरानी चीजों का, तो कमेंट में जरूर बताना, आपको और चीजें भी दिखाऊंगा मैं। आज मैं आपको कमी चीजें दिखा रहा हूँ। और इसको कहते हैं किंडी, और किंडी आता है हमारा काम, जैसे कहीं काफल बेचने थे पहले जमाने में, और जो कलियो होता है पहाड़ में, अरसे हो गए, लड्डू हो गए, इनको इसमें पैक करके भेजते थे इधर उधर। तो अभी इसमें सामान भी रखे हुए हैं, और इसमें पता नहीं क्या सामान रखा है, ये भी मैंने अपने स्टोर रूम से निकाले। और इसमें कुछ दाने रखे हैं बीज के, जैसे सरसों के दाने हो गए, मेथी के दाने हो गए, और पालक के दाने। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो का आखिरी सामग्री है। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे रॉड कहते हैं, और इसको हम यूज नहीं करते, तो इस पर बहुत सारी जाले जैसे लगे हैं, और इससे छोते थे हम छाँच। तो अभी आपको खोल के दिखाते हैं, छाँच छोने वाला है, और अभी भी काफ़ी सारे लोग इसको यूज करते हैं पहाड़ में, और हम बिजली वाले मशीन से छोते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और जो बिजली वाले मशीन है इससे जल्दी हो जाता है। और ये बना है बांस से, यहाँ पे बांस को फाड़ रखा है, और फिर चार हिस्से करके इसके, और बीच में लगा रखी है लकड़ी इसको चौड़ा करने के लिए, और नीचे डिज़ाइन देखे, नीचे काफ़ी शानदार डिज़ाइन बना रखा है। और जो आपको बीच में रस्सी दिखाई दे रहा है, ये पकड़ने के लिए है और घुमाने के लिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।